और दोस्तों श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच कल का मुकाबला इतना रोमांचक था कि आखिरी सांस तक सबके रोंगटे खड़े हुए थे। दोस्तों एशिया कप का ग्रुप स्टेज का श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम के बीच खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंकन के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 291 रन बना लिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में श्रीलंका की तरफ से निशंका ने 41 रनों की शानदार पारी खेली तो करुणा रत्न ने भी 32 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इस मैच में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कुशल मेंडिस ने किया था। जी हाँ, कुशल मेंडिस ने इस मुकाबले में 84 गेंदों का सामना करने के बाद 92 रन कर लिए थे 3 छक्के और 6 चौके की मदद से, और उनकी वजह से ही श्रीलंका की टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया। जहां चरित असलंका ने भी 36 रन बनाए थे तो आखिरी में आकर मथिसा पथिराना ने भी 28 रनों की पारी खेली थी तो वेलगे ने भी 33 रन की पारी खेली थी। जहाँ इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से नाइब को 4 विकेट हाथ लगे थे तो रशीद खान को 2 विकेट और रहमान को 1 विकेट मिला था। ऐसे में अब अफगानिस्तान को ये मैच जीतने के लिए पूरे 292 रन बनाने थे, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम को सुपर फोर में जाना था तो उन्हें ये रन 37.1 ओवर में बनाने थे, और ये मुकाबला इतना रोमांचक था कि आखिरी सांस तक सबके रोंगटे खड़े थे। जहाँ इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन करा और सबको चौंका कर रख दिया। जहाँ अफगानिस्तान की शुरुआती 2 विकेट तो 27 रन के स्कोर पर चले गए और इस मैच में अफगानिस्तान की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान की कप्तान शहीदी ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा तो रहमत ने भी कमाल की बल्लेबाजी करी, 2 ओवर में 45 रन बना लिए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने नबी उतरे थे और दोस्तों मोहम्मद नबी ने इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में अफगानिस्तान की जबरदस्त वापसी कर ली थी। जहां दोस्तों नबी ने 32 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इसके बाद हमें श्रीलंका की गेंदबाजों का एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद कप्तान श्रीदेवी 59 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन आखिरी में जब एक गेंद में 3 रन चाहिए थे अफगानिस्तान की टीम को और जब इसके बाद 38वां ओवर धनंजय डिसिल्वा को दिया गया तो सब चौंक गए यार। इस ओवर में वो कमल की गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया था और सामने रशीद खान खड़े होकर देखते रह गए थे, और ये मुकाबला श्रीलंका की टीम 2 रनों से जीत गई। ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला 37 ओवर से पहले खत्म हो जाएगा और अफगानिस्तान की टीम सुपर फोर में पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और श्रीलंका की टीम ये मुकाबला को 2 रनों से जीतकर सुपर फोर में पहुंची गई। दूसरी तरफ रशीद खान 16 गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट खड़े हुए थे। जाते वीडियो के प्यारा सा लाइक करें। थैंक यू।